कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लॉकडाउन 3.0 में कुछ दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। ऐसे में कोटा में भी कुछ रियायत के साथ दुकानें खोली गई हैं, लेकिन ये कदम जिला प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया। दरअसल दादाबाड़ी में कुछ दुकानें खुली तो लोग घरों से निकलना शुरू हो गए और ऐसे में जनता को रोकना भी पुलिस कर्मियों के लिए नाकाफी साबित हुआ। पुलिस से पूछताछ में लोगों ने घर से निकलने के कई बहाने भी बताए। और राज्य सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन में छूट दिए और कुछ जरूरी सेवाओं को खोलने के लिए आदेश किया है, उसके बाद में कोटा में जो स्थिति बनी हुई है वो इस प्रकार की है। लगातार लोगों की आवाजाही हो रही है और आवाजाही होने के बाद में उन जरूरी चीजों को खोलने के लिए जरूर कहा गया है, मगर जो व्यापारी हैं वो सभी प्रकार की दुकानें अब धीरे धीरे खोलने लगे हैं। लगातार पुलिस के सामने भी एक सरदर्दी बनती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से इस लॉकडाउन की पालना किया जाए। सामने की तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर पहले मेडिकल स्टोर ही खोलने की इजाज़त थी, वहां पर अब शूज की दुकान और भी कई दुकानें यहां पर खोली गई है। आगे देखेंगे तो रेडीमेड की जो शॉप है वो भी खोल दी गई है। तो इस तरह से अब सबसे बड़ा सरदर्द ये बनता जा रहा है कि पुलिस किस तरह से लॉकडाउन की पालना करेगी, क्योंकि लोग हर जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकलने और घरों से बाहर निकलने के साथ ही ये वो समझाना भी बहुत ही कठिन हो रहा है कि किसको रोका जाए और किसको नहीं रोका जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ पर पास की व्यवस्था नहीं की गई है और कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कहकर यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरह के हालातों से निपटने के लिए और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना जिला प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती होगा। लोगों को लिए राहत सामग्री पहुँचाना भी जरूरी है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी बहुत जरूरी है, मगर किस तरह से लॉकडाउन की पालना होगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अगर कोटा की बात करें तो कोटा रेड जोन में है और लगातार यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से।